बाटे ना हाँ, एक साइकिल और 500 रुपया से नवाजा जा रहा है। सुशील यादव भंडारा बैलगाड़ी में प्रथम स्थान आया है। बहुत बहुत जिसमें से कि ये कार्यक्रम हर वर्ष कराए जाते हैं और इसमें जो है जैसे जो पूर्व प्रधान थे वो भी अपना योगदान सहयोग करते थे थोड़ा बहुत, और जो यहाँ के गांव के सारे आम लोग हैं जनमानस सारे लोगों का योगदान इसमें पूरी तरीके से निष्ठा पूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका सहयोग रहता है। और बड़ी दूर दूर से बैलगाड़ी वाले लोग लेके आते हैं गाड़ियों में लाद लाद के, जिनकी प्रतियोगिता होती है बड़े अच्छे ढंग से सम्पन्न कराया जाता है। विजेता जीते हुए को क्या हर उत्साह करने के लिए क्या, विजेता को जो प्रथम बैलगाड़ी में दौड़ में आता है उसके लिए एक साइकिल 501 रुपया, सेकंड को एक पंखा और 500 रुपया, और जो थर्ड होता है उसके लिए भी एक छोटा पंखा उससे और उससे 200 रुपया। कितने मीटर की रेस होती है? जो चौथा होता है, हमने चौथे को भी मैंने किया है, चौथे को अब की बार पुरस्कार तौर पे खुशबख्शीसी के तौर पे हम लोगों ने 500 रुपया का पुरस्कार उसे दिया। और आज क्या कार्यक्रम था आपके यहाँ? आज आपके यहाँ क्या कार्यक्रम था? आज हमारे यहाँ बैल प्रतियोगिता का कार्यक्रम था, इसमें बैलगाड़ी दौड़ कराई गई और अन्य जैसे कि घोड़ा रान दौड़ हुई और साइकिल दौड़ हुई, बच्चों का पैदल जो दौड़ होती है वो कराई गई। इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम कराए गए जिनमें से कि सब लोग बढ़ चढ़ के सारे प्रतिभागियों ने भाग लिया। विगत कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है? लगभग मेरी समझ से 13 वर्ष 13-14 वर्ष हो रहा है। ऐसे हर वर्ष के बसंत पंचमी के दिन ये कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। ये इसका ये जो कोई समिति द्वारा कराया जाता है या कोई ऐसे ही? हम लोग आपस में एक समिति गांव की गठित किए हुए हैं। क्या नाम है समिति का? समिति पूरे आसाराम के नाम से गठित की गई है।